नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष धनखड़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो गाइज, स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, आज के लिए जो मेरी खबर है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइज, अगर आप तैयारी कर रहे हैं भारतीय नौसेना इंडियन नेवी की, सो गाइज इंडियन नेवी में SSR का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो गाइज़, अगर आप ये भी तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, तो गाइज आज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी अब तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो गाइज देखिए, यहाँ पे आपको जारी कर दिया गया है अगस्त 2018 बैच के लिए जो नौसैनिक के रूप में भर्ती का अविवाहित पुरुषों के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसका जो सभी पाठ्यक्रम है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सभी मैं आपको बताऊँगा। सो गाइज, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो अखबार में पोस्ट हो चुका है, उसकी मेरे पास स्क्रीन शॉट्स हैं, तो वो आपके मैं यहाँ पे बताऊंगा कि क्या सब यहाँ पे है। तो गाइज चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे SSR के लिए ये जारी किया गया है, AAO के लिए इसमें कोई भी विज्ञप्ति नहीं है, तो ये सभी SSR के लिए है। और अगस्त 2018 में इसका एग्ज़ाम होगा, तो ये बैच अगस्त 2018 के लिए है। तो यहाँ पे आपको गाइज किस बातों का ध्यान रखना है ये सभी यहाँ पे आप देख लीजिए। तो देखिए गाइज, यहाँ पे पहले देख रखा है पात्रता शर्तें, यानी कि आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए। तो गाइज देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए केवल अविवाहित पुरुषों जो भारतीय शासन प्रणाली धारा 68 पात्रता शर्तों पर पूरा हो, यानी कि आपको अविवाहित होना आवश्यक है। अगर आप विवाहित हैं और आपका सर्टिफिकेट है आपके पास विवाह पंजीकरण का, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको 10+2 क्लियर होना चाहिए, यानी कि 12th पास होने चाहिए। उसके लिए आपको गणित, भौतिकी और इन विषय में एक रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान या कंप्यूटर एक साथ, यानी इन तीन गणित और भौतिकी आपके साथ कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या कंप्यूटर किसी भी एक का होना ज़रूरी है। तो गाइज आपकी आयु के लिए मैं बात करूँ, यानी कि एज आपकी 1 अगस्त 1997 और 31 जुलाई 2001 दोनों तिथियाँ भी यहाँ पे शामिल हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं आपकी पेमेंट की, कि आपको क्या पेमेंट दिया जाएगा अगर आप इसके लिए सिलेक्ट होते हैं। तो गाइज वेतन आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया जाता है। आपको जो 14,600 रुपये प्रति माह देय होगा प्रशिक्षण शुल्क जब आपको ट्रेनिंग चलेगा उसके लिए। उसके बाद गाइज आपको 21,700 से 69,100 रुपये के बीच में आपको सैलरी दी जाती है आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद में। और आपको 5,200 रुपये यानी 5,200 रुपये का प्रति माह सेवा सत्ता महंगाई भत्ता, ये सभी जोड़ के अलग से दिया जाता है। तो गाइज सैलरी आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है। पदोन्नति की बात करें तो गाइज मास्टर चीफ अफसर वर्स्ट रैंक पदोन्नति अवसर है, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको अवसर मिलते रहेंगे आगे आगे। और उसमें गाइज आपकी जो सैलरी है वो 47,000 से 1,51,000, जो कि काफ़ी अच्छा आपके लिए प्रमोशन हो सकता है अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तो। साथ में जो भत्ता है, महंगाई भत्ता, ये सब आपको 5,200 रुपये का अलग से दिया जाता है। तो गाइज आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे उपलब्धि की, जो क्या है। तो गाइज आपको यहाँ पे संपूर्ण अवधि के दौरान नौसैनिक को पुस्तक वगैरह, यानी कि आपको जो ट्रेनिंग के दौरान जो भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी सभी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। नौसैनिक को आश्रित चिकित्सा सुविधा, छुट्टी, आवास, ये सभी आपको यहाँ पे दिया जाता है। और सुरक्षा बीमा के तौर पे 37,50,000 रुपये भी आपको नौसैनिक के रूप में ले सकते हैं आप यहाँ पे। अगर आपको दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो 37,50,000 रुपये आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जाँच PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस स्टैंड के आधार पर किया जाएगा, यानी कि आपको पहले परीक्षा देनी होगी, उसके बाद फिजिकल देना होगा, उसके बाद मेडिकल देना होगा, उसके आधार पे आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। तो गाइज प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ आपको दिया जाएगा। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे देखिए शारीरिक स्वास्थ्यता यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपसे क्या करवाया जाएगा, उसके लिए चयन के लिए आपको शारीरिक स्वास्थ्यता जाँच की उत्तीर्णता होनी चाहिए, यानी आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, किसी भी बीमारी से आप ग्रस्त नहीं होने चाहिए। फिजिकल फिटनेस के दौरान PFT के यानी 7 मिनट आपको 1,600 मीटर की दौड़ करनी होती है। उसके बाद 20 उठक बैठक हैं, 10 दंड बैठक शामिल हैं। उसके अभ्यर्थी को APT में अपने जोखिम पर ऐसे करनी होगी। अच्छा सर, यहाँ पे आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको पहले साइन करवाए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ पे लेना होता है। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए चिकित्सक सैन्य चिकित्सक प्रवेश धारा सैनिक को लागू वर्तमान नियमावली चिकित्सक मानक के अनुसार यहाँ पे आपको 157 सेंटीमीटर आपकी न्यूनतम हाइट होनी चाहिए। वजन को समानुपातिक होना चाहिए, यानी कि बॉडी मास के अनुसार आपका BMI होता है, उसके अनुसार आपका वेट वगैरह होना चाहिए। बस यही सभी बातें यहाँ पे इसमें
जा रही है मेडिकल में, तो आप सभी को पता ही होगा नॉर्मल से जो होता है रिहा भी, आप विज्ञप्ति पढ़ लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद गाइस जहाँ पे आपकी आँखों की बात करें तो सही आँख 6x6 होनी चाहिए, ख़राब 6x9 होनी चाहिए। यहाँ पे सही आँख यहाँ पे 6x6 और ख़राब आँख 6x6, चश्मे सही होनी चाहिए अगर होती हैं तो, इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है गाइस, उसके बाद आपको प्रशिक्षण के बारे में, 22 सप्ताह का प्रशिक्षण आपका यहाँ पे होता है बेसिक प्रशिक्षण। उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र के निकाला जाता है, यानी कि नौसैनिक प्रशिक्षण के दौरान किसी भी समय असंतोषजनक कार्य कारण अयुक्त करार देकर निकाला जा सकता है आपको। प्रारंभिक नियुक्ति के शिक्षण सफलतापूर्वक करने पर निर्भर करता है, नियुक्ति 15 वर्ष की है, यानी कि आपको 15 वर्ष तक आपको जॉब करने के लिए कार्य दिया जाएगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्या सब करना है। आपको ऑनलाइन वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाके आपको सारे दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की छंटनी के आधार पर होगी, राज्य की छंटनी के आधार पर होगी। आपको कुछ प्रतिशत अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो राज्य के उत्तीर्णता की प्रतिशतता बढ़ सकती है। छंटनी मापदंड 10+2 के अंकों के प्रतिशत के आधार पर होगी। गाइस अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। पिछली बार की अगर मैं बात करूँ तो 80+ परसेंटेज की कम से कम रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपकी 80+ है तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिए, अन्यथा एक बार सोच लीजिए। 75 है तो भी कर दीजिए, हो सकता है आपका चांस बन जाए, लेकिन इससे कम है तो शायद आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपका कॉल लेटर नहीं आएगा यहाँ पे। तो गाइस उसके बाद अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड भेज दिए जाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य जांच की तिथि के समय के अनुसार होगा, क्योंकि मार्च और अप्रैल में संभावित होगा इसका एग्जाम होगा। उसके बाद कॉल लेटर, एडमिट कार्ड नौसैनिक आधिकारिक वेबसाइट 2018 अंत में अपलोड कर दिए जाएंगे, यानी कि आपको ऑफलाइन कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, ऑनलाइन आपको अपलोड करना होगा। सारा सभी आपको मिल जाएगा इंडियन नेवी के ऊपर, जो वेबसाइट यहाँ पे आपको दिख रही है इस पे आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी। परीक्षा परिणाम उसी दिन घोषित कर दिया जाएगा, और शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि आपको जैसे पहले होता था वैसे ही सेम होगा, एक ही दिन में आपका परिणाम हो जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी उसी दिन हो जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल होता है वो बाद में होगा। तो गाइज आप देख लीजिए कि आपको क्या करना होगा, फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी होगी, अच्छी किस्म के नीले रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए उसके। उसके बाद गाइज 10 दिसंबर तक 2017 तक आप इससे अंतिम तिथि है, इसके लिए पहले पहले आप अप्लाई कर लीजिए। तो गाइज ये सभी तो इसमें था, आप यहाँ पे चाहें तो इसे स्कैन करके भी आप यहाँ पे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो ये सब बातें यहाँ पे इसमें की गई है। सो गाइज आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा, ऐसे ऐसा करता हूँ। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज, और अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा।